आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एमसीबी के बारे में। आखिर एमसीबी क्या है, इसका वर्किंग प्रोसीड्योर क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और करंट ट्रेडिंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल से कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एमसीबी है ये हमारा अपग्रेडेड वर्सन है फ्यूज़ का। जब एमसीबी का यूज़ नहीं किया जाता था उस टाइम जो है फ्यूज़ का यूज़ किया जाता था। अब गाइस, ये जो एमसीबी है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इसके अंदर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, पहला सोलिनॉइड कॉइल और दूसरा बायमेटेलिक स्ट्रिप। जो हमारा सोलिनॉइड है ये हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है और दूसरा जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये हमें ओवरलोड से जो है प्रोटेक्शन देती है। अब ये किस तरह से प्रोटेक्शन देती है इसे समझ लेते हैं पहले। अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो वो शॉर्ट सर्किट के वजह से हमारे एमसीबी में जो कॉयल है यानी कि सोलिनॉइड कॉयल है उस कॉयल में हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब वो सोलिनॉइड कॉयल जब ऑपरेट होती है तो उसके बीच में जो है एक प्लंजर रहता है और वो प्लंजर हमारे एमसीबी के ट्रिपिंग नॉब है उस नॉब पे आके डायरेक्ट हिट करती है जिसके वजह से हमारा एमसीबी जो है ट्रिप हो जाता है। और दूसरा जो प्रोटेक्शन देती है वो हमारा ओवरलोड का, तो वो किस तरह होता है अब मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे लाइन वायर से ओवरलोड करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो हमारा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है हीटअप होना स्टार्ट होता है और हमारा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है हमारे ट्रिपिंग नॉब के तरफ धीरे धीरे बेंड होना स्टार्ट होता है और हमारा ये एमसीबी जो है ट्रिप हो जाता है। तो एमसीबी में यूज़ होने वाले बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेसिकली दो मेटल्स के बने होते हैं, यानी कि एक तरफ अगर किसी एक मेटल से तो दूसरा तरफ दूसरा मेटल। और गाइस, जो भी मेटल्स होते हैं उस मेटल्स का अलग अलग अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो गाइस, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि हमारा एमसीबी दो तरह का प्रोटेक्शन देता है। पहला जो प्रोटेक्शन है वो हमारा शॉर्ट सर्किट और दूसरा जो प्रोटेक्शन है वो हो गया हमारा ओवरलोड। तो ओवरलोड के लिए जो है ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप हेल्प करती है ट्रिपिंग होने के लिए एमसीबी को, और शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रिप होने के लिए हमारा सोलेनोइड कॉइल जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं हमारा ये एमसीबी जो है कितने एम्स तक का होता है। तो गाइस, जनरली जो ये एमसीबी है ये एमसीबी 100 एम्स के नीचे यूज़ किया जाता है। गाइस, अब एमसीबी के एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज है मोर सेंसिटिव, मतलब ये जो एमसीबी है बहुत सेंसिटिव है। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड होता है तो ये तुरंत हमारे सर्किट को कर देती है और आगे जो भी अप्लायंस हमारे रहते हैं वो जो है पूरा सेफ रहता है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है वो है हमारा नो मेंटेनेंस, यानी कि एमसीबी को जो है मेंटेनेंस करने का कोई भी खर्च नहीं बैठता है। तीसरा एडवांटेज है बेटर लाइफ, यानी कि ये एमसीबी को एक बार आप लगा दिए तो बस कोई भी मेंटेनेंस का दरकार नहीं होता है और ये बहुत आसान तरीके से बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है हमें सर्विस देती है। तो गाइस, मैंने आपको अभी जो भी बातें बताया ये पूरे एमसीबी से रिलेटेड है। तो गाइस, वीडियो कैसा लग रहा है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट अगर मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक लाइक तो बनता है। तो गाइस, वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आखिर क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।